आज घर में दाल पक रही है और आग लगाने की कोशिश किए जा रहे हैं। इतना पानी हो रहा है, अब्बू गुस्सा हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा दाल में पानी क्यों डाल दिया। और अभी देख रहे हैं लकड़ियाँ बेचारे तोड़ तोड़ के रखी हुई है। सिस्टर छोटी सिस्टर सालन वालन बनाती है, तो ये भी टमाटर गोल गोल कटते हैं, जल्दी जल्दी खाती नहीं, बहुत स्लो है काम करने में। ये हमारी बिल्ली है घर की, पता नहीं बिल्ली है पकड़ी है, पत्ते वत्ते सभी खा जाती है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, बस पत्ते खाना या बकरी, समझ नहीं आ रही मुझे इसकी। और हर कहीं घुसना इसकी आदत है। अब लहसुन हरी मिर्च ये डालेगी, मैं इसको कुछ लाए थे कि जल्दी जल्दी काटो, तो अभी बेचारे पानी वहीं का वहीं है क्योंकि आग लगा लगा के थक गए, आग जल नहीं रही है। वैसे अब ये मिर्च मिर्ची को अपनी जगह पहुँचाना है। ये अब भी बेटी ये घास फूस काट रही है, तड़के के लिए हम प्याज बना रहे हैं। अब फिर अबू चेक कर रहे बार बार, कमी नहीं हो रहा है पानी। अभी रेडी हो गया, दाल बिल्कुल गल चुकी है अच्छे से। अब मसाले ऐड कर रहे हैं हम इसमें और अच्छे खासे मसाले डाल रहे हैं। दाल आग तो अब बहुत तेज़ लगी हुई है, दाल भी रेडी हो चुकी है। अब इसके तड़के का इंतज़ाम कर रहे हैं। शुक्र, सब ने शुक्र अदा किया है। अब जो है तेल बिल्कुल कड़कड़ कड़कर तैयार हो गया है। अब ये सारे मिर्च मसाले डालेंगे और अब ये मिर्च मसाले जो है ना लाल होते ही जा रहे, गुस्से से लाल हो रहे, अब तेल की वजह से लाल हो रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। और लाल होते ही अभी दाल में डाल देंगे। यहाँ तो अब्बू ने जंप भी मारा, वो सारे चीटे आए थे तो सिस्टर ने जल्दी से ढाँप दिया। अब ये तड़का लग चुका है और ये अब आराम से बैठ कर हम खाएंगे। शुक्र है कि इस आग वाली दाल पक गई। Thank you.